अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीखेंगे कंप्यूटराइज बिल कैसे बनाया जा सकता है। कंप्यूटराइज बिल बनाने के चार मेथड होते हैं, जैसे कि मैंने ये चार आपके सामने क्रिएट किए हुए हैं। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सिंपल होता है, सिंपल ऐसा बिल होता है जिसके बीच में ब्रांड नहीं ऐड किए जाते। जैसे ये देखिए, ये बिल हमारे पास मौजूद है, इसके बीच में ब्रांड ऐड हुए हैं, जैसे कीबोर्ड डेल का है, माउस सोनी वालों का, मॉनिटर डेल, LCD HP, तो इसमें ब्रांड ऐड नहीं हुए हैं। तो नंबर थ्री वाला देखें, इसमें क्वांटिटी ऐड होती है। जैसे अगर आपने क्वांटिटी वाला बिल बनाना हो तो उसके बीच में क्वांटिटी का कॉलम यहाँ पे ऐड किया हमने, तो इसका भी क्वांटिटी हम कैसे टोटल निकाल सकते हैं, टोटल बिल कैसे निकलेगा। अब नंबर फोर जो बिल होता है उसमें एक स्टेप शॉट कर दिया जाता है। यही बिल जो नंबर थ्री वाला है, इसी का एक स्टेप शॉट किया टोटल वाला, टोटल वाला कॉलम शॉर्ट कर लिया और हमने यहाँ पर ही डायरेक्ट टोटल बिल कैसे निकालना होता है, तो ये सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले सिंपल बिल इसको सॉल्व करते हैं कि टोटल बिल कैसे निकाला जाता है। ये जैसे हमारे पास चार सिनेरियो आपको बताएं स्टेप बाय स्टेप, ये सिंपल, ये थोड़ा सा ब्रांड इसके बीच में ऐड हुए हैं और यहाँ पर ये जो है इसके बीच में क्वान्टिटी और उसके रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन बता चुका हूँ। सबसे पहले सिंपल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल आपने सिंपल फार्मूला लगाना है जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, इज इक्वल टू सम इनटू। अब इसके लिए आपके पास दो मेथड होते हैं यहाँ, एक तो आप ये पूरा जितनी भी आपके पास प्राइजेज होती हैं ये सारी आप एक दफ़ा सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रैग करके, या फिर यहाँ पे सेल के नेम भी लिख सकते हैं। तो बहरहाल ये मेथड ईजी है, आप इनको एक दफ़ा सिलेक्ट कर लें। जैसे C3 से लेके हमने C7 तक सिलेक्शन की है सेल्स की, और आप ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, देन इंटर को प्रेस करना है। तो ये देखें यहाँ पर इसका भी, इसका टोटल भी आ चुका है। अब स्टेप नंबर टू देखें, यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा, इज इक्वल टू सम के बाद यहाँ पर इसकी फिर प्राइस की सिलेक्शन करें और ब्रैकेट क्लोज करें, देन प्रेस इंटर। ये देखें इसका भी बिल आ गया, ये और ये दोनों बिल सेम है, सिर्फ इसमें ब्रांड ऐड किए गए। अब स्टेप नंबर थ्री देखें, यहाँ पे इसको कैसे हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे टोटल निकालना है, कीबोर्ड जो है इसकी प्राइस कितनी है 300, तो टोटल कितने वो कीबोर्ड ले रहा है 5, तो आप देखेंगे कि टोटल इसका बिल कितना बनता है। इसी तरह माउस 200 का, और ये इसकी क्वांटिटी 6 है, तो अब इसका भी बिल देखते हैं कैसे यहाँ पे टोटल निकलता है। तो यहाँ पर हमने लगाना है फार्मूला इज इक्वल टू प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन का फार्मूला इज इक्वल टू प्रोडक्ट लगाने के बाद आप इन दोनों सेल को सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी की। अगर सिलेक्शन नहीं कर सकते तो आप सिंपल यहाँ पे आपको बता चुका हूँ सेल के नेम लिखने, सेल के नेम लिखने के लिए दूसरी एक सेल का जब नाम आपने लिख लिया यहाँ पे, जैसे मैं इसका लिखता हूँ M3 कामा लाजमी डालना है, फिर दूसरे सेल का नाम लिखना है, जैसे कि उस सेल का नाम है M3। अब ब्रैकेट को क्लोज करें, इसको प्रेस करें, तो ये देखें अब हमारे पास ये भी सॉल्व हो चुका है। अब इसको ड्रैग करके आप डाउन पे ले रहे हैं Ctrl D, तो ये देखें इसका बिल आ चुका है। अब यहाँ पे टोटल बिल, जैसे कि कीबोर्ड, एक कीबोर्ड का बिल कितना है 1500, माउस का कितना है 1200, और ये मॉनिटर का। अब टोटल बिल कैसे निकालना है, इज इक्वल टू सम लिखना है, और यहाँ पर आपने टोटल जितना भी है ये सारा सिलेक्शन करनी है, इसकी ब्रैकेट को क्लोज करें और इंटर। अब ये देखें यहाँ पे टोटल बिल भी आ चुका है। अब यहाँ पर आपने ये करना है कि स्टेप नंबर थ्री जो है, इसको फोर जो है, इसका सिनेरियो जो क्रिएट किया हुआ है इसको देखें। इसके लिए इस स्टेप में एक जो है ना, हमने स्टेप शॉर्ट किया हुआ है इस बिल वाला, तो यहाँ पर सिंपल आपने ये फार्मूला लगाना है इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट। यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों जो फार्मूले हैं एक साथ लिख देने, इज इक्वल टू सम। अब यहाँ पे देखें सजेशन बता रहा है Array1 और Array2, Array3। इसी तरह हमारे पास तो दो अरे हैं, जैसे कि फर्स्ट वाली कौन सी है, प्राइस वाला कॉलम पूरा हमने सिलेक्शन इसकी करनी है, कामा लगाएं। एक्सेल में ये रूल होता है जब एक स्टेप की हमने सिलेक्शन कर ली होती है, जैसे एक सेल की सिलेक्शन करते हैं, तो उसके बाद कामा लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है, नहीं तो पहले वाली सिलेक्शन पर डिस्टर्ब हो जाती है। तो स्टेप नंबर टू के लिए Array2 जो है हमारे पास क्वांटिटी की सिलेक्शन करनी है, ब्रैकेट क्लोज करें, देन इंटर प्रेस करें। ये देखें यहाँ पर भी बिल शो हो रहा है, ये देखें ये भी प्राइस वही है, ये भी वही है, सिर्फ इसमें एक स्टेप हमने शॉर्ट किया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में बिल कैसे बनाए जाते हैं।
तो रील बनाने के चार मेथड थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।